ये अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये बैंटम हैन है देसी, बिल्कुल जिसे हम कहते हैं। उसके नीचे बन मुर्गी जिसे चकोर भी कहते हैं, तीतरी भी कहते हैं, उसके अंडे रखे थे। ये माशाल्लाह से चार वाइट आए हैं, एक ब्लैक एंड वाइट है, और बाकी के जो हैं वो जो छः हैं वो ब्लैक हैं। ये इनको पानी रखा था, आज ग्लूकोज का पानी मिला के पिलाया इनको। गर्मी हो गई है क्योंकि अब ये सुबह सुबह का टाइम है, इसलिए थोड़ा सा मौसम ठीक है। इनको ग्लूकोज का पानी गर्मियों में देना चाहिए, तरबूज खिलाने चाहिए ताकि ये गर्मी से बचे रहें, गर्म लू से बचे रहें। तो एक दो को झटका लगा है वैसे, कल बहुत गर्मी थी, 50 का टेम्परेचर था यहाँ, तो आज कदरे मौसम ठीक है। आप देख सकते हैं बादल हैं आसमान में, कदरे बेहतर है, आज हवा चल रही है ठंडी। तो वैसे मैंने एहतियातन इनको ग्लूकोज पिला दी है, और ग्लूकोज से ये फ़ायदा होता है कि इनको गर्मी नहीं लगती, लू से बचे रहते हैं, इनकी पानी की डेफिशिएंसी भी पूरी हो जाती है। खूबसूरत माशाल्लाह से ये देखें आप चिक्स, और ख़ूबसूरत ही मुर्गी इनको लेके पाल रही है, और वो अब इसी की आवाज़ के आदी हो गए हैं। उन्हें पता है कि बस यही हमारी मामा है, हालांकि चकोर की वॉइस समथिंग और होती है। एक चूज़ा इनमें से थोड़ा सा वाइट वाला, वो आगे जो जा रहा है थोड़ा सा ढीला लग रहा है, पर उसने फुलाए हुए हैं शायद, उसे किसी कीड़े मकोड़े ने ना काट लिया हो। मेरे एक दो चूज़े और भी बीमार हैं, और ये मुर्गी अभी अंडों से उठ के आई है, तो जो जवान मुर्गे थे वो पीछे पड़ गए थे, तो ये उड़ के यहाँ बैठ गई। तो यहाँ ये थोड़ा सा अपने आप को खुजाएगी, इसने दाना पानी चुग लिया अपना, हवा शवा लगवाएगी, उसके बाद फिर अंडों में बैठ जाएगी। अंडे इसके तकरीबन 8 अंडे रखे हैं, एक इसका अपना है और 7 अंडे काली बड़ी मुर्गी जो है काले जाड़े के साथ उसके लगाए हैं रखे हैं। तो तकरीबन सब में ही बच्चे कंप्लीट हो चुके हैं, आजकल में बस वो टूटने वाले हैं, तिड़क जाएंगे बच्चे जब निकलेंगे, इंशाल्लाह दिखाऊंगा आपको वो शौक भी। बाकी अभी ये नीचे यहाँ असल में डरबा बनाया था, शायद नज़र ना आए, अंधेरा है काफ़ी, दरमियान में दीवार देके आधी आधा पोर्शन एक मुर्गी के लिए, आधा पोर्शन दूसरी मुर्गी के लिए। दिन में यहाँ होते हैं, रात को भी अब आ जाते हैं, रात को काफ़ी गर्मी हो रही है, इनको निकालूंगा यहाँ से। ये मुर्गी आप देख सकते हैं वहाँ जाके बैठ गई है गट्टू के पास ही, बच्चे जो दाना गिर जाता है वो कमरे में वो सारा चुग रही है, बच्चे भी वो चुग रहे हैं। असल में यहाँ फीड और बाजरी भी रखी थी गंदम के साथ मिला के, तो ये छोटा दाना शौक से खाते हैं, छोटे हैं अभी।